हाय गाइस, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। सो आपने देखा तारा सुल्ताना मैम का ये लुक मैंने रिक्रिएट किया है। उनके जैसा फ्लॉलेस स्किन तो है नहीं मेरा, जो उनके जैसा कुछ मेकअप ना करो तो रहेगा। तो मैंने सबसे पहले अपना DIY प्राइमर लगाया है और उसके बाद मैंने यहाँ पे NYB की जो BB क्रीम है और लैक्मे की CC क्रीम हल्का सा मिक्स करके अपने फेस पे मैं लगा रही हूँ। ये एवरीडे के लिए भी लुक आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ईजी वे में मैंने बताया है। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत सारे हैक भी हैं। तो उसके बाद मैं इसे सेट करने के लिए नॉर्मल मैं वाइट टोन पाउडर ले रही हूँ। आप बेबी जॉनसन पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है, कुछ खुद से रिलेट कर पा रहे हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और मेरे पास हुनहार एक ही काजल है जो कि NYB का है, तो मैं उसी को लेकर के एक थिक लाइनर लगा रही हूँ। पहले मैंने सोचा थिन लगाऊं, लेकिन जब देखोगे आप दूसरे आईज में लगाने गई तो वो बिगड़ गया, वो थोड़ा थिक हो गया, तो मैंने दोनों में थिक ही लगा दिया। मैं क्या कर सकती हूँ बताइए आप लोग। तो किसके साथ ऐसा होता है यार, एक आँख में थिक लगता है, दूसरे में लगाने जाओ तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा हो ही जाता है, होता है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि उसके बाद बहुत अजीब अजीब थिंग्स जो कि आपसे रिलेट कर सकते हो, इस तरह मैं कुछ ना कुछ कंटेंट लाती रहती हूँ। तो अगर आप चाहते हो कि आप ऐसा देखो कुछ फनी फनी चीज़ें, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। उसके बाद मैं यहाँ पे ब्रश लेकर के उसे स्मच कर दे रही हूँ, क्योंकि ख़राब तो हो ही चुका है। स्मच करने से आजकल फैशन में कुछ भी कर दो फैशन हो जाता है, तो आप भी कर लो, आपको ख़राब चीज़ भी अच्छा लग जाएगा। तो नाइस जोक, बकवास था। तो उसके बाद मैं उसको और थिक कर ले रही हूँ, जैसे आप देख ही रहे हो यार। सेम मैं उसी ब्रश से थोड़ा सा अपने आईब्रो को भी सेट कर दे रही हूँ। बचा खुचा काजल वेस्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, थोड़ा तो सेट कर ले रही हूँ, बाद में और थोड़ा सा लगाऊंगी लास्ट में आप देखोगे। उसके बाद मैंने निकाह की पैल्प में से, क्योंकि आप जब तारा मैम की जब पिक देखोगे तो हल्का सा कोरल टाइप का था, तो मैंने बिल्कुल हल्का से लेकर के लगाया है। और उसके बाद यहाँ मैंने NYN की लिप लाइनर लिया है, उसी को अपने पूरे लिप्स पे एज अ लिपस्टिक भी लगा ले रही हूँ। मैंने लगा लिया है यहाँ पर और ये बहुत अच्छा है, क्रीम बेस में है, एवरीडे के लिए बहुत अच्छा लग रहा है। लिपस्टिक पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते हो, बिगिनर हो तो आप इसे ले सकते हो। और ये जो शेड मैंने अभी लिप्स पे लगा रही हूँ, इसी को मैंने अपने आईज पे लगाया था। न्यूड लिपस्टिक उन्होंने यूज़ किया था, हाई ब्रांड का यूज़ किया था, मेरे पास नहीं है, न्यूड मुझ पर सूट करता नहीं है, इसे मैं न्यूड लिपस्टिक रखती नहीं हूँ। और सेम इसी पैलेट में से मैं हल्का हल्का ब्रश लगा रही हूँ, उनके फेस पे हल्का कोरल था मुझे ऐसा लगा, तो इसीलिए मैं लगा रही हूँ। और आप नहीं चाहते हो डेली वेयर में, तो आप सिर्फ थिक लाइनर लगा लो एज अ काजल से, लिपस्टिक लगा लो, आईब्रोज को हल्का से फ्रेंड करो, ब्लश ब्रश ना भी लगाओ तो भी अच्छा लगा, आपकी स्किन बहुत अच्छी है। सिर्फ आप एक स्माइल भी करोगे तो आप वैसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगोगे। ये सब झंझट मारी करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर जो जो एग्री करता है नीचे बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो उसके बाद मैं हल्का सा मस्कारा लगा रही हूँ और मेरा लुक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।